ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि 1 जनवरी 2019 मंगलवार के दिन की महाभाग्यशाली राशियां। पोष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि स्वाति नक्षत्र जो कि दोपहर 11:47 तक रहेगा, उसके बाद विशाखा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। तुला राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की यदि हम बात करें तो उत्तर दिशा में रहेंगे, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो गुड़ खा करके यात्रा कर सकते हैं। राहु काल जो कि दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या फिर नया काम आपको नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव धनु राशि में, चंद्रमा तुला राशि में, मंगल मीन राशि में, बुध वृश्चिक राशि में 9:45 तक, उसके बाद धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरुदेव बृहस्पति वृश्चिक राशि में, शुक्र तुला राशि में, शनि धनु राशि में, राहु कर्क और केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार मेष मिथुन कर्क तुला वृश्चिक और धनु इन 6 राशि वालों को मिलेगी कई प्रकार की खुशखबरी। साल के पहले दिन इनको विशेष सौगात मिल सकती है, नई नौकरी इनको मिल सकती है या फिर पदोन्नति भी इनकी हो सकती है या फिर कार्य स्थल पर रोजगार में इनको अच्छी उन्नति मिल सकती है। धन लाभ के उत्तम योग इनको बनने के योग बन रहे हैं। इसके अलावा भी कार्यक्षेत्र में उन्नति और प्रगति इनकी होने वाली है। यदि अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव भी इनका प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा भी कई प्रकार के लाभ एवं कई प्रकार की खुशखबरियां इनको मिलने का उत्तम योग साल के पहले दिन बना हुआ है। तो मित्रों हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।